फ्रेंड्स, कृष्ण लाकोनी छोटमल कोर के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बीएएल की फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट पर टेंस, जिसके अंतर्गत मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, उस पर अपने विचारों को व्यक्त करूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम क्या होते हैं? देखो, नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं जिनमें बात को नकार दिया जाता है, या तो वाक्य में नहीं आता है या कभी नहीं आता है। नहीं और कभी नहीं की अंग्रेजी नोट या नेवर लगाई जाती है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम कौन सी वर्ब पैटर्न का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर उसके बाद डिड नोट का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसका सेकंड फॉर्म का स्थान भी ले लिया, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, मैंने कल दो पद नहीं लिखे थे, और किसने नहीं लिखे थे दो पद? मैंने। मैंने कल मेरी क्या लगा आई। चाहे सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, ही सी इट यू वी दे कुछ भी हो, सबके साथ में डिड नॉट का प्रयोग करें नहीं के लिए। मैंने कल दो पद नहीं लिखे थे, I did not write two letters, और कब नहीं लिखे थे? Yesterday। इसी प्रकार से कभी नहीं के लिए कौन सी वर्ब पैटर्न प्रयोग लाते हैं? पहले सब्जेक्ट लाते हैं, नेवर के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लाते हैं। क्या कहा वाक्य में? शिवाजी महाराज किसी को, अतः शिवाजी महाराज ने कभी, शिवाजी महाराज ने किसी को कभी भी धोखा नहीं दिया। शिवाजी महाराज का मेन वर्ब शिवाजी दी ग्रेट, नेवर डिसीव, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लिया। शिवाजी दी ग्रेट नेवर डिसीव एनीबडी, शिवाजी महाराज ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अब इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हम आगे और कह सकते हैं कि मोहन ने आज अपना पाठ याद नहीं किया। एकदम से प्रश्न किया कि किसने नहीं किया अपना पाठ याद? मोहन ने। तो मोहन के लिए क्या होगी? मोहन ही रहे की प्रॉपर नाउन है, तो मोहन डिड नॉट लर्न हिज लेसन टुडे, मोहन ने आज अपना पाठ याद नहीं किया है, अपना पाठ याद नहीं किया। दूसरा वाक्य, हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं थे, ये सिंपल पास्ट में बनेगा। अवर प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट फ्री, अवर प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट फ्री फ्रॉम करप्शन, सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था थे थी की आवाज देने के लिए, था थे और थी की अंग्रेजी देने के लिए हम वाज या वर का प्रयोग किया करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं थे, अवर प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट फ्री फ्रॉम करप्शन। मेरी छोटी बहन ने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, अब कभी नहीं आया। मेरी छोटी बहन ने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, तो माई यंगर सिस्टर नेवर सा दी ताज बिफोर, मेरी छोटी बहन ने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। कल मजीद के पास कोई पुस्तक नहीं थी, सेंस बदलेंगे, कल मजीद के पास कोई पुस्तक नहीं थी, अर्थात कल मजीद कोई पुस्तक नहीं रखता था। मजीद डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मजीद डिड नॉट हैव एनी बुक यस्टरडे, मजीद डिड नॉट हैव एनी बुक यस्टरडे, कल मजीद के पास कोई पुस्तक नहीं थी। सुल्तान नसरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था, अब नहीं था कहते हैं कोई है वाली बात आती है, सुल्तान नसरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था, अर्थात सुल्तान नसरुद्दीन डिड नॉट हैव एनी सन, सुल्तान नसरुद्दीन डिड नॉट हैव एनी सन, सुल्तान नसरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था। सलीमा बेगम की यहाँ कोई नौकरानी नहीं थी, फिर वही बात, सलीमा बेगम की यहाँ कोई नौकरानी नहीं थी, अर्थात सलीमा बेगम डिड नॉट हैव एनी मेड सर्वेंट, सलीमा बेगम की यहाँ कोई नौकरानी नहीं थी। मुगल सम्राट औरंगजेब राज के कोष से अपने लिए कोई धन नहीं लिया करता था, आदत प्रकट होगी, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में आदत प्रकट नहीं होती। अब बाकी क्या बना? मुगल सम्राट, मुगल एम्पायर औरंगजेब
did not take money for him from the royal treasury. अपने गिराज के कोष से कोई धन नहीं लिया करता था। शिवाजी महाराज ने कुरान तथा मुस्लिम महिला का कभी भी अपमान नहीं किया। शिवाजी दी ग्रेट नेवर इंसल्टेड दी कुरान एंड मॉडर्न लेडीज, कभी अपमान नहीं किया। इस प्रकार से हम इन पास्ट नेगेटिव टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पास्ट नेगेटिव टेंस के बनाए जाते हैं। उन्हें बनाने के लिए क्या होते हैं कि ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्या कि अंग्रेजी वाक्य में हम डिड अर्थात इस टेंस की एंडिंग वर्ब क्या है डिड को बाद निकाल दिया करते हैं। अगर सेकंड टाइप सेंटेंस होता है तो जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वह वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है। हमने दोनों के लिए वर्ब पैटर्न लिखी, पहले तो हमने क्या वाले वाक्य के लिए वर्ब पैटर्न लिखी, डिड क्या कहते हैं जी डिड अर्थात एंडिंग वर्ब से वाक्य को प्रारंभ किया। सब्जेक्ट चाहे एकवचन है बहुवचन सबके साथ डिड का प्रयोग करेंगे। वाक्य इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ निगेटिव अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मोड या नेवर का प्रयोग करेंगे। मेन रूप की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अगर सेकंड टाइप होता है तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है अगर वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा उसके बाद वर्ब पैटर्न जो कि चलेगी। अब इंग्लिश नियम में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि तुम्हें किसने पीटा या तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई, अभी फर्स्ट टेंस में किसने सेकंड फॉर्म आ गई, तो हु के साथ मेन रूप की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे क्योंकि हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का कार्य करा। बाकी क्या बना, हु टॉट यू इंग्लिश, अंग्रेजी तुम्हें किसने पढ़ाई, तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई। तो इस प्रकार से हम कौन से वाक्य को बनाते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में क्या तुमने मास्टर साहब की आज्ञा मानी, तो वाक्य क्या बना, डिड यू ओबे, डिड यू ओबे द टीचर, और शास्त्री क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने मास्टर साहब की आज्ञा मानी। इसी प्रकार से क्या राम के भाई ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, डिड रामास ब्रदर नॉट ओबे देम, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या कृष्ण ने पांडव का पक्ष नहीं लिया, डिड कृष्णा नॉट टेक द फेवर ऑफ पांडव, क्या कृष्ण ने पांडव का पक्ष नहीं लिया। तुम्हारे छोटे भाई ने आज क्या किया, क्या वाक्य के बीच में आ गया, व्हाट डिड योर यंगर ब्रदर डू टुडे, बचे वाक्य हो सारा करता बाद में क्वेश्चन मार्क, तुम्हारे छोटे भाई ने आज क्या किया। चंद्रा स्वामी ने किसे धोखा दिया अर्थात किसको धोखा दिया, होम डिड चंद्रा स्वामी डिशीव, होम डिड चंद्रा स्वामी डिशीव, होम डिड चंद्रा स्वामी डिशीव, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने डिड का निकला। इसी के साथ में वाक्य को हम बनाने के लिए इन वाली वर्ब पैटर्न का प्रयोग करके ट्रांसलेट किया करते हैं। अब इसी प्रकार से हम वाक्य अब इस करेंगे, इसमें आते हैं। जैसे हमने कहा मास्टर साहब ने मरीज की टूटी हड्डी की परीक्षा की। मास्टर साहब ने मरीज की टूटी हड्डी की परीक्षा की। मास्टर साहब हड्डी की परीक्षा नहीं करने वाले बल्कि डॉक्टर साहब ने मरीज की टूटी हुई हड्डी की परीक्षा की। दी डॉक्टर एग्जामाइन दी ब्रोकन बोन, कैसी हड्डी टूटी हुई, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करी। दी डॉक्टर एग्जामाइन दी ब्रोकन बोन ऑफ दी पेशेंट। इसी प्रकार से गाजियाबाद के धनी व्यापारी का पुत्र पुलिस की सहायता से अपने घर सैर कुशल आ गया। The
son of this merchant of Ghaziabad. This son of this merchant of Ghaziabad came safely to his home by the help of the police. तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हर प्रकार के सेंटेंस और आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस की पॉजिटिव इंटेंस के पदों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज ट्रांसलेशन के अंतर्गत मैं एक छोटी सी ट्रांसलेशन, क्योंकि बीएनएनपी पाठ्यक्रम में कुछ ट्रांसलेशन भी आएंगी जो टेंस के ऊपर निर्भर करेंगी, जैसे विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, सिंपल पास्ट होगा, विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा थे, उज्जैन उनकी राजधानी थी, उज्जैन उनकी राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि उनकी राजधानी में उनके राज्य की होती है, द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम वाज उज्जैन, वे बुद्धिमान तथा न्याय के लिए निर्देश थे, ही वाज जस्ट एंड वाइज किंग, उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया, ही नेवर पनिश्ड एनी इनोसेंट पर्सन, उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया। तो इस प्रकार से हम टेंस के अंतर्गत ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन तभी संभव है जब आप लोगों के टेंस क्लियर होंगे। आज मैंने तुम लोगों के सामने पास्ट टेंस को पूरा कराया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।